शुरुआत करते हैं नियामक कानून के साथ. रियल एस्टेट रेगुलेटर के रूल्स बनने की जो डेडलाइन है वो करीब आती जा रही है और कई राज्य ऐसे हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने में जुटे हुए हैं. जी अंजलि, महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रियल एस्टेट नियामक जो रूल्स हैं, जो उनको ड्राफ्ट रूल्स हैं, उनको मंजूरी दे दी है और जल्द वो नोटिफाई भी हो जाएंगे. यानी कि अगले महीने तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रेगुलेटर उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें होगा. ज़्यादा डिटेल्स देखिए इस रिपोर्ट में. उत्तर प्रदेश हाउसिंग सेक्रेटरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा है कि कैबिनेट ने रेरा ड्राफ्ट रूल्स को मंजूरी दे दी है, जिसको कुछ दिनों में नोटिफाई कर दिया जाएगा और जल्द ही यूपी स्टेट में रेगुलेटरी अथॉरिटी को सेटअप कर दिया जाएगा. इस वजह से जो लाखों होम बायर्स यहाँ पे अटके हुए हैं उनको राहत मिलेगी. प्रोजेक्ट मिलने में देरी के लिहाज से NCR में नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के प्रॉपर्टी बाजार सबसे आगे हैं. इन तीनों इलाकों में 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में औसतन करीब 28 महीने की देरी हुई है. खरीदारों का भरोसा जीत कर उन्हें बाजार में वापस खींचने के लिए बिल्डर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द डेवलपर जो इस बिजनेस में सीरियस हैं और इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो सब रेडी हैं. उन्होंने अपनी तैयारी धीरे धीरे करनी शुरू कर दी है, चाहे इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स हो या पेपर वर्क हो. और इसको रेरा को डिफरेंट लेवल के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जिससे कि एक ट्रांजिट होते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम उसके अंदर जो है ना हो. रियल एस्टेट के जानकारों का ये भी मानना है कि जब नियामक कानून पर अमल शुरू हो जाएगा तो प्रॉपर्टी बाजार के हालात भी बेहतर होने लगेंगे. रेरा का आना तो हर मार्केट में ही ज़रूरी था, सिर्फ यूपी में ही नहीं. बट आप ये ज़रूर देखा गया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ख़ास तौर से जो डिले इन डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट है वो सबसे ज़्यादा रहा है अक्रॉस इंडिया. तो एक तरह से एक ट्रस्ट डेफिसिट था. वो ट्रस्ट डेफिसिट क्योंकि ग्रेटर डिस्क्लोजर होगा रेरा आने से और ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होगी, उससे ये ट्रस्ट डेफिसिट मेरे हिसाब से कुछ हद तक ब्रिज होगा. तो ये इम्पॉर्टेंट था मेरे. हर राज्य को जल्द ही इस सिलसिले में नियम बनाने हैं. इससे मकान खरीदारों का ही फायदा नहीं होगा बल्कि उनके और बिल्डरों के बीच का भरोसा भी बढ़ेगा. चाणक्य भाटिया की रिपोर्ट, NDTV.